सोशल क्षति प्राइम न्यूज और मैं हूं मनीष उपाध्याय। आज हम लोग हैं पांडे मैथ सेंटर में और हमारे साथ हैं यहां से यहां के डायरेक्टर प्रोफेसर सीबी पांडे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले तो इस प्लेटफॉर्म पर समय देने के लिए और बच्चों के बिचारने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इस बार परीक्षा में जो 12 का एग्जाम हुआ है, 12वीं की परीक्षा में लगभग 13,586 बच्चों ने भाग लिया था, उसमें से लगभग 86% रिजल्ट बेहतर आया है और कुछ रिजल्ट नहीं आ पाया है। आपके संस्थान से इस बार कितने छात्रों ने परीक्षा दिया था और उनका क्या विशेष रिजल्ट रहा है? मेरे संस्थान से 50+ बच्चे अपीयर हुए थे, जिसमें से सारे बच्चे जो है फर्स्ट डिवीजन है और उनमें से दो बच्चे हैं जो डिस्ट्रिक्ट टॉप 10 में हैं, जिनका 400+ रिजल्ट है। एक बच्चा है सागर कुमार जिसका 92 है और एक बच्चा है सौरभ कुमार जिसका 93 मार्क्स आया हुआ है और ओवरऑल दोनों ने भी डिस्ट्रिक्ट टॉप 10 में स्थान हासिल किया। आपके छात्र जो इस बार परीक्षा दिए थे, उसमें किस तरह की तैयारी आप जो है छात्रों को कराए थे? स्टडी मटेरियल्स वगैरह की क्या व्यवस्था है आपके कोचिंग इंस्टीट्यूशन में और किस तरह से छात्र जो है आपसे पढ़ के लाभान्वित होते हैं? देखिए सर, ये एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से जो है मैंने डीपीपी प्रत्येक टॉपिक्स पर दिए थे और असाइनमेंट प्रत्येक चैप्टर पर दिया गया था और जो या इस मैथ सेक्शन के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट ब्रांच होता है कैलकुलस, और कैलकुलस को हमने काफी लॉन्ग टाइम दे करके प्रिपरेशन कराया था और सारे टॉपिक पर डीपीपी दिए थे, असाइनमेंट बनाया था और लास्ट का जो मंथ होता है दिसंबर में, तो नवंबर में मैंने सिलेबस कंप्लीट किया था और दिसंबर में कंप्लीट पूरे दिसंबर भर टेस्ट सीरीज का आयोजन किया गया था, जिससे बच्चों को काफी लाभ हुआ है और उस टेस्ट सीरीज में जिसके मार्क्स में लगभग इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्रैश कोर्स के बच्चा तक यहाँ 80+ रिजल्ट लेके आया है। तो सबसे ज्यादा जो है बच्चों को लाभ अगर मिलता है तो वो टेस्ट सीरीज से मिलता है जो हमने लास्ट मंथ में किया। आपके कोचिंग का जो एड्रेस था वो पहले आप पी सिंह सर के बगल में पढ़ाते थे, अभी आपके कोचिंग का एड्रेस क्या है? जी, पहले 2019 तक पी सिंह सर के बगल में ही मेरा संस्थान था, लेकिन लॉकडाउन के बाद से चेंज करना पड़ा जो थोड़ा सा आर्थिक समस्या को लेकर के। अभी जो ये छात्रावास है, अम्बेडकर छात्रावास है चंदमारी में, उस गेट के ठीक सामने है। छात्रों को क्या संदेश देंगे? जो छात्र जो है अभी जस्ट 10th पास किए हैं, उनका रिजल्ट आना बाकी है, तो छात्रों को किस तरह के विषय का चयन करना चाहिए और कैसे सब्जेक्टों के साथ उन्हें आगे बढ़ना चाहिए? सबसे पहले तो मैं छात्र से ही कहूंगा कि अगर आपकी रुचि जिस फैकल्टी में है पहले उसी को सेलेक्ट करें। अगर आपकी रुचि आर्ट में है तो आर्ट सेलेक्ट करें, कॉमर्स में है तो कॉमर्स सेलेक्ट करें, साइंस में तो है साइंस में करें। रुचि के अनुसार अगर आप पढ़ते हैं तो सक्सेस जल्दी मिलती है और रहा फील्ड के अनुसार तो अभी देखा जाए तो मैथ्स का जो फील्ड है वो व्यापक है। मैथ्स का क्या स्कोप वगैरह है? जैसे मैथ्स में आप डिफेंस में भी जा सकते हैं, रेलवे में भी जा सकते हैं, आपको आईआईटी एनआईटी यानी आपको इंजीनियरिंग के फील्ड में भी जा सकते हैं और आप रेलवे में भी जाइएगा तो स्पेशल उसका एग्जाम होता है सीआरए, उसमें आप जा सकते हैं। इंजीनियरिंग में है आईआईटी है एनआईटी है, बहुत सारा जो है आपको नेशनल और रीजनल जो एग्जाम है सो मैथ्स के पेपर के हैं और इंडिया का एक बहुत ही फेमस एग्जाम है एनडीए, अगर उसमें आप मैथ्स पेपर से नहीं है तो वो एग्जाम आप नहीं दे सकते हैं। उसके अलावा एससीआरए अगर मैथ्स पेपर से है तो दे सकते हैं, नहीं तो आप नहीं दे सकते हैं। तो लगभग आपको अगर काउंट कीजिएगा तो जो खुद यूपीएससी एग्जाम लेते हैं उसमें से 30+ ऐसे एग्जाम होते हैं जो मैथ्स मेन पेपर पर देते हैं, तो मैथ पढ़ना जरूरी है। जी, मैथ्स तो हमको लगभग मेरे विचार से आर्ट्स कॉमर्स साइंस सारे बच्चों को एक्स्ट्रा लेके पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटी आपके बिहार यूनिवर्सिटी में भी जो बच्चे मैथ्स एक्स्ट्रा लेके नहीं है उनका जो प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन नहीं हुआ।